जैसे मेरे औरत को खींच के लेके गया है गाड़ी के नीचे डाल के, वैसा मैं उसको खींच के लेके जाएगा। सजा होके क्या सजा होएगी, मेरी औरत तो चली गई, मेरा घर उजड़ गया, मेरे बीबी मेरा लड़का बिड़का देखो रो रहा है, माँ माँ करके रो रहा है, क्या करूं मैं। हम लोग गरीब है इसलिए ऐसा है क्या, तोड़ के वो उसको बोल रहा है रुको 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 रुका है। मुंबई हिट एंड रन केस में अभी तक मुख्य आरोपी मेहर शाह को गिरफ्तार नहीं किया गया। एक्सीडेंट में जान गंवाने वाली महिला कावेरी नकवा के पति प्रदीप नकवा की मांग है कि जिस तरह से मेहर ने उनकी पत्नी को गाड़ी से दूर तक घसीटा है, वैसे ही प्रदीप भी मेहर को घसीटना चाहते हैं। उनका कहना है कि घटना को 24 घंटे से ज्यादा हो गए लेकिन मेहर शाह को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। उनका आरोप है कि मेहर के पिता पॉलिटिक्स में अच्छी पकड़ रखते हैं इसलिए मेहर को बचाया जा रहा है। खबर में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि मेहर शाह के पिता राजेश शाह एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना गुट के नेता हैं। एक्सीडेंट के बाद मेहर तो फरार हो गया था लेकिन पुलिस ने राजेश शाह और ड्राइवर राजऋषि बिदावत को हिरासत में ले लिया। अब अपडेट ये है कि राजेश शाह को भी जमानत मिल गई है। घटना पर और क्या जानकारी सामने आई वो भी जानेंगे लेकिन पहले आप प्रदीप नकवा की पूरी बात सुनिए। हम लोग मैं गाड़ी चला रहा था, औरत पीछे बैठी थी, हम लोग को पता नहीं चला इतने जोर से गाड़ी आई और धार से आवाज आया, हम लोग ये हो गए पागल हो गए, हम लोग दोनों हवा में उड़ गए। हवा में उड़ने के बाद उसके बोनेट पे गिर गए। बोनेट के गिरने के बाद उसने जो ब्रेक लगाया तो ब्रेक के बाद मैं लेफ्ट में गिर गया पूरा और मेरी औरत उसके चक्के के इधर गिर गई। चक्के के इधर गिरने के बाद वो रुका नहीं, मैं उसको ठोका, उसको देखा वो रुका नहीं, इतने जोर से गाड़ी चलाया कि चक्के का धुआं आ गया, पीछे वाला चक्का ऐसा घूम रहा है, ऐसा इतना स्पीड में उसको खींच के लेके गया। तो अब मैं सीधा उसकी तरफ, एक्सीडेंट हो गया मेरा, सीधा उसकी तरफ से अब सीलिंग की तरफ, बताओ उसका क्या हो गया होगा, उसका मन क्या किया होगा। गाड़ी के पहिए के नीचे थी वो, घसीट के हुए लेके गया, उसको बोला रुको रुको रुको, रुका नहीं, इतने जोर से भगाया गाड़ी कि मेरी जान चली गई। मैं दौड़ के उसको बोल रहा है रुको रुको रुको, रुका है नहीं। बताओ अभी सीजे हाउस से सीलिंग तक खींच के जाना, अगर मेरे जगह पे मेरे औरत के जगह पे तुम्हारा बहन रहता तो क्या होता। हम लोग गरीब है, हम लोग गरीब है इसलिए ऐसा है क्या, सबके लिए सेम न्याय रखो तुम। प्रशासन से यही बात करूंगा कि जैसे मेरे औरत को खींच के लेके गया है गाड़ी के नीचे डाल के, वैसा मैं उसको खींच के लेके जाएगा। सजा होके क्या सजा होएगी, मेरी औरत तो चली गई, मेरा घर उजड़ गया, मेरे बीबी मेरा लड़का बिड़का देखो रो रहा है, माँ माँ करके रो रहा है, क्या करूं मैं। मेरे को बताया पुलिस ने, मेरे को फोन आता है पुलिस लोगों का, हम लोग सर्च कर रहा है अभी तक मिल नहीं रहा है, मगर अगर आप चाहे तो सब हो सकता है। ये सब पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में ये लोग बोलते हैं कोई किसी का नहीं है, मिल नहीं क्यों मिल नहीं रहा है, कोई किसी का नहीं क्यों नहीं मिल रहा है, फिर वो बड़े आदमी का लड़का इसलिए मिल नहीं रहा है का, हाँ गरीब का रहता तो 2 मिनट में पकड़ के उसको जेल में डाल देते थे, मगर बड़े आदमी का लड़का नहीं मिलता और नहीं मिलेगा। ये अभी एडमिशन हो जाएगा ना तो खत्म, सब खत्म हो जाएगा। कई रिपोर्ट्स के अनुसार मेहर एक्सीडेंट के बाद अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाकर छुप गया था। आरोपी को शरण देने के मामले में पुलिस ने मेहर की गर्लफ्रेंड से भी पूछताछ की। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सुहास भोसले ने यह बताया, BMW से महिला को करीब 1.5 किलोमीटर तक घसीटने के बाद आरोपी मेहर और ड्राइवर राजर्षि ने आपस में अपनी सीट बदल ली थी। ड्राइवर सीट पर बैठने के बाद राजर्षि ने घटनास्थल को भागने से पहले गाड़ी को रिवर्स किया और वापस महिला को रौंदा ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। पुलिस का कहना है कि एक्सीडेंट के बाद मेहर ने अपने पिता को फोन किया जिसके बाद राजेश की सलाह से मेहर फरार हो गया और एक्सीडेंट की जिम्मेदारी ड्राइवर ने ले ली। आपको यह भी बताते चलें कि 7 जुलाई की सुबह मेहर शाह ने BMW कार से स्कूटी सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी थी। एक्सीडेंट में पति प्रदीप तो बच गए लेकिन कावेरी की जान चली गई। आरोपी की कार इतनी स्पीड में थी कि कावेरी कार के बंपर और टायर के बीच में फंस गई थी। BMW कार से उन्हें करीब 1.5 किलोमीटर तक घसीटा गया और आखिरकार उनकी मौत हो गई।
इस मामले पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी तक इस मामले से जुड़ी तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथ विभाग ने। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।